मेरा नाम है शिखा सक्सेना और आप शुरू कर रहे हैं देखना वार्तालाप टीवी। वक्त तो चला है बॉलीवुड की बड़ी खबरों का, आइए जान लेते हैं बॉलीवुड की आज की बड़ी खबरें फटाफट। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी ने बिकनी लुक में एक सेल्फी शेयर की है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस ताजा तस्वीर के सामने आते ही यह जमकर वायरल हो रही है। इसमें दिशा को एक समुद्र तट के सामने सनबाथ लेते हुए आराम फरमाते हुए देखा गया है। अब इस तस्वीर में दिशा पटानी का अंदाज उनके फैंस के दिल को छू रहा है। रणवीर ने ट्वीट में लिखा, इस इंडस्ट्री में कई ऐसे योद्धा हैं जो अब मेनस्ट्रीम बॉलीवुड के चापलूस बन गए हैं। ये वही लोग हैं जो पहले इस सिस्टम के खिलाफ लगातार बोला करते थे, लेकिन ये सिर्फ तब तक जारी है जब तक उन्हें बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिल रही है, तो हिपोक्रेसी है। स्वरा ने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने आत्ममंथन किया है और मुझे एहसास हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने जितनी बार उनका नाम हम लोगों की बहस में सुना है, उस लिहाज से हमें उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये हमारे बीच में नहीं है। सुशांत की फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है, हमें उनकी यादों को सेलिब्रेट करना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस को महाभारत वेब सीरीज के तौर पर बनाने के लिए हरी झंडी मिलने में लंबा वक्त लग सकता है। नेटफ्लिक्स के भीतर ही आमिर खान के इस प्रोजेक्ट को लेकर लोग एकमत नहीं हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह के निधन को एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें याद कर रहे हैं। खासकर उनकी बहन श्वेता सिंह ने एक पोस्ट में लिखा कि मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। कोरोना काल में कुछ सितारे ऐसे काम करते हुए नजर आए जो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाते थे। इनमें से कई सितारे अपने फार्म हाउस में तो कई अपने गांव पहुंचकर खेती करते नजर आए। फैंस ने शायद इन सितारों का ये अवतार कभी नहीं देखा होगा। नोरा फतेही को मिल गया है दूल्हा, सोशल मीडिया पर किया ऐलान। नोरा फतेही ने अपने पोस्ट में लिखा, दोस्तों मुझे अपना पति मिल गया है, हम शादी करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर उनका यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में आने से अस्पताल में भर्ती हैं। बिग बी ने अपने इस आइसोलेशन टाइम को बेहद खास अंदाज में बिता रहे हैं, जहां एक तरफ वो फैंस के लगातार सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में हैं, वहीं दूसरी ओर इस समय वो अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविताओं को भी पढ़ रहे हैं। बिग बी ने हाल ही में एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने अपने पिता की लिखी हुई कविता के कुछ अंश साझा किए। कविता को साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि वे उन डॉक्टरों को दिल से आभारी हैं जो इस समय निस्वार्थ अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के फुटपाथ पर सो रही एक भूखी प्यासी महिला को सोनू सूद ने छत देने की बात कही। सोनू सूद ने अपने ट्वीट में लिखा, कल इस परिवार के सिर पर छत होगी, इन छोटे बच्चों के लिए एक घर जरूर होगा। कार्तिक आर्यन ने दिल बेचारा का पोस्ट जारी किया। इस पोस्ट में फिल्म की टाइमिंग भी लिखी और सुशांत और संजना स्टार दिल बेचारा 24 जुलाई को रात 7:30 बजे डिजिटल प्रीमियम होगा। कार्तिक ने इस ट्वीट के कैप्शन में लिखा, चलो सब साथ में देखते हैं दिल बेचारा प्रीमियम। बता दें कि कार्तिक के अलावा एकता कपूर ने भी इस फिल्म से जुड़े पोस्ट शेयर किए हैं तथा लोगों को इस फिल्म को देखने का आग्रह किया है। मुझे दीजिए इजाजत, चलती हूँ, मेरी चटपटी खबरों को सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।